अब केशलेश इलाज मां नर्मदा हॉस्पिटल में, सेवा ही संकल्प हमारा, केशलेश इलाज की सुविधा उपलब्ध। पता, पटेल पेट्रोल पंप के सामने, न्यू बस स्टैंड, सीहोर, मध्य प्रदेश। क्या बन रहा है इछावर का माहौल? कौन यहाँ का विधायक बनने जा रहा है? सेलन पटेल बने भैया, सेलन पटेल जी, सेलन पटेल बनेंगे। हाँ बनेंगे। अच्छा, 40 साल में क्या काम हुआ फिर यहाँ? 40 साल कुछ भी काम नहीं हुआ यहाँ पे, तो क्या बहुत बेरोजगार यहाँ, तो बहुत ज्यादा परेशान सब लोग, क्या कोई कुछ भी काम नहीं हुआ है ना? कुछ भी काम नहीं हुआ। सेलन पटेल आए जी, 40 साल में कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ जी। करण सिंह वर्मा जी। अच्छा, 40 साल के काम में क्या क्या काम हो गया फिर यहाँ? बहुत सारे काम करे, आप बस स्टैंड देख रहे हैं पूरा जी, पूरा बस स्टैंड उनकी देन है। अच्छा, उन्हीं की देन है जी। अच्छा, तो क्या उन्हें इस बार मंत्री परिषद मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? 40 साल हो गए क्योंकि जी। वो तो ठीक है, वो पुराने वरिष्ठ हैं, बाकी जो है बदलाव भी चाहती थी पब्लिक, लेकिन जो है अब उनका हुआ है फाइनल, तो ठीक है, वो नहीं चुनेंगे। अच्छा, कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ, जो कांग्रेस के विधायक ने उन्हीं ने कॉलेज बनवाया था, उसके बाद से कोई यहाँ पर कॉलेज में कोई सब्जेक्ट नहीं आया। हॉस्पिटल जो है वो कांग्रेस के टाइम पे, विधायक के टाइम पे आया था, उसके आगे हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं आए, ना कोई बेड बढ़े वहाँ पर, जहाँ है वहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। भैया देखो, जो हिंदू हित की बात करेगा वही आएगा, पार्टी का व्यक्ति नहीं देखा जाएगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही छावर विधानसभा में राज करेगा। अच्छा, सीहोर का माहौल ये बनता है कि कांग्रेस या बीजेपी कोई अन्य तीसरा पार्टी जो है अभी तक उभर के नहीं आई कि जो बने, तो कांग्रेस या बीजेपी कौन आएगा वैसे? नहीं, सीहोर में क्या है, सन्नी भैया की अच्छी चर्चा थी, लेकिन अब वो लड़ नहीं रहा है, लेकिन अब सुदेश राय का पर्चा ज़्यादा महंगा है। इस बार तो मुझे लग रहा है शैलेन पटेल जी चुन के आएंगे। हाँ, लेकिन क्यों सर, क्या कारण बन रहा है? हाँ, चर्चित नाम है ना, और मिलनसार हैं, युवाओं के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और अभी आपको मालूम है कि युवा कितने सारे हैं जी। क्या एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को खा जाएगी या फिर विकास जो 40 साल का हुआ उसमें कुछ लाभ मिलेगा? क्या विकास हुआ है 40 साल में बताइए जी, जनता से वही तो पूछ रहे हैं, क्या कुछ विकास नहीं हुआ है यहाँ पर? तो वही 40 साल के विकास को लेकर जनता का क्या कहना, एक ही व्यक्ति 40 साल से यहाँ चुन के आ रहा है, ऐसा क्यों? जनता में कहीं ना कहीं विश्वास है जी, काम के प्रति जी, है ना, या उनके व्यवहार के प्रति जी। माहौल कांग्रेस का बन रहा है, शैलेंद्र पटेल काफ़ी बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जनता ने पिछले 4 दशक से एक ही व्यक्ति पे यहाँ विश्वास जताया है, और मंत्री परिषद में इस बार मंत्री का टिकट मिलने का, पद मिलने का भी मौका है उन्हें, तो क्या जनता उस ओर जाएगी या फिर नया चुनेगी? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और 150+ सीट के साथ कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो इछावर क्षेत्र की जनता बड़ी जागरूक और समझदार है, वो समझती है कि पिछले कार्यकाल में करण सिंह जी वर्मा को मिनिस्टर नहीं बनाया, और चूंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस से सरकार बनने जा रही है, तो निश्चित ही जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रही है। एक ही व्यक्ति पे यूं विश्वास है कि आज 35 साल से वो क्षेत्र का अच्छा विकास किया उनने, इसलिए उसी व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। वो करण सिंह वर्मा बहुत अच्छा समझदार कैंडिडेट है, इसलिए बीजेपी को वोट करेगी। युवाओं का ऐसा है कि यहाँ पर युवाओं को आगे आना चाहिए, एक प्रत्याशी है वो सालों से हैं जी, सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि युवाओं को भी आगे आना चाहिए। बाकी विकास के मामले में इछावर इतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, यहाँ सालों से बीजेपी राज कर रही है, फिर भी विकास के मामले में यहाँ पर बहुत पीछे हैं, अब जाके थोड़ा उन्होंने प्रगति पकड़ी है, पर मैं मानता हूँ कि अभी भी इछावर सालों, मतलब 10-15 साल पीछे चल रहे हैं हम दूसरे आउटसाइड तहसील को। ये क्षेत्र जो है बीजेपी का ही है, जनसंघी है पुरानी, आज से नहीं बहुत पहले से, इस चक्कर वही है यहाँ, यहाँ के लोग जो है या आसपास के एरिया के जो भी लोग हैं वो सब टोटली इस जनसंघ टाइम से ही जनसंघी बने हुए हैं। अच्छा। माहौल तो यह है कि बुड्ढा बेल खेत तो अब जोतनो बंद करांगा, नया खे जोतांगा यार जी। हाँ, परिवर्तन की लहर है, लेकिन क्यों सर? परिवर्तन की लहर है, 101% परिवर्तन की लहर है, लेकिन क्यों सर? काम क्या हुआ? एक काम बता दे करण सिंह जी, ये 35 साल में इस इछावर को 35 साल पीछे कर दिया करण सिंह जी ने, और इनकी वजह कोई विकास नहीं हुआ। आज भी 25 गांव ऐसे हैं जो रोड से कटे हुए हैं, है क्या है ये विकास है? ताल तलैया बने, जरा जरा सी तलैया एक एक महीने में सूख रही,
इससे क्या सिंचाई होगी, किसान संपन्न होगा क्या इससे, क्या कुछ भी काम नहीं करा। अब केशलेश इलाज मान नर्मदा हॉस्पिटल में सेवा ही संकल्प हमारा, केशलेश इलाज की सुविधा उपलब्ध। पता पटेल पेट्रोल पंप के सामने, न्यू बस स्टैंड सीहोर मध्य प्रदेश। युवा का रुख कांग्रेस पार्टी की तरफ है और सेलन भैया की तरफ है जी, क्योंकि सेलन भैया ने पिछली बार भी जब विधायक बने थे 5 साल के कार्यकाल में उनने बहुत सारे काम करवाए थे, जबकि सरकार अपने उनकी नहीं थी। और कांग्रेस की सरकार होती तो वो इछावर को जो 30 सालों में नहीं हो पाया उस रुख तक पहुंचा देते जी। जनता तो परिवर्तन मांग रही है, परिवर्तन मांग रही है। लेकिन क्यों वो 40 साल विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास तो सरकार के बनाई योजनाओं पर क्रियान्वयन हुआ, लेकिन पर्टिकुलर कोई भी प्रतिनिधि यहाँ से जाता है तो वो अपने एफर्ट से योजनाओं को क्रियान्वयन नहीं कर पाए। इछावर में लगभग बराबरी का मुकाबला है। अभी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता लगभग सुस्त हैं। जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है अच्छा काम करा वो चुनाव जीत सकता है। देखो अभी बड़ा कहना मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही टक्कर में है और दोनों ही कांटे की टक्कर में लगे लगातार है। दोनों का ही प्रचार प्रसार अपने दम पर, अपने स्तर पर बहुत अच्छा चल रहा है। अब जनता का रुख आखिरी समय में क्या होगा, कौन की लहर होगी, ये अभी चुनाव के प्रचार प्रसार होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन 40 साल से एक ही व्यक्ति है सर, इसका क्या राज है? कोई परिवर्तन नहीं हुआ इछावर विधानसभा में? नहीं, परिवर्तन हुआ, बीच में सेलेन पटेल जी भी जीते और अब वो क्या है कि उनका कहना है कि साहब सरकार हमारी नहीं थी, विकास कार्य नहीं हो पाए, तो हो भी सकता है ऐसे, क्योंकि अपन ने देखा कि 30 साल करण सिंह वर्मा जी विधायक रहे हैं, तो उनने जो विकास, देखो सड़क, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य, इसके अलावा भी और विकास के कई मायने हैं। अब देखते हैं कौन आता है, अभी तो कोई माहौल नहीं दिख रहा है। फिर भी सर 40 साल या फिर नया परिवर्तन? अब लोगों ने तो कहना है परिवर्तन। अगर करण सिंह बनते हैं तो मंत्रिपरिषद मिलना तय है, क्योंकि सबसे वरिष्ठ हैं, तो उसको लेकर क्या कहना है कि या मंत्रिपरिषद की तरफ जाएगी या फिर नए परिवर्तन की तरफ जाएगी यहाँ की जनता? मंत्रिपरिषद की तरफ जाएगी। अब तो जो भी कहे जनता के ऊपर है, वो इतने साल में उन्होंने जो भी कुछ काम किया जनता ने देखा, उसी के हिसाब से वो निर्णय लेगी जनता। आम जनता के तौर पर आप भी आते हैं तो क्या परिवर्तन होगा या फिर वही व्यक्ति चुन के आएगा? परिवर्तन तो डेली लोगों के मुंह से सुनते आए हैं और लोग बराबर परिवर्तन चाहते हैं, के भी रहे हैं लोग ऐसा सुनने में। क्योंकि मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ विधायक के तौर पर यहाँ करण सिंह हैं, अगर वो चुन के आते हैं तो क्या मंत्रिपरिषद उनको मिलना चाहिए या नहीं? अब ये तो वो जो समिति है वही तय करेगी। अब इछावर में माहौल ये बन रहा है कि बदलाव चाह रही है जनता, और इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी तो विधायक भी कांग्रेस का बनेगा। इन लोगों से 35 साल से ऊब चुकी है बीजेपी से, तो माहौल कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है और अच्छे 20-25 हज़ार वोटों से जीतेगी कांग्रेस। सर विधायक तो बीजेपी का आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस कुछ भी नहीं करवाती यहाँ पे, और बाकी जो हमने जो काम करवाने का बोला था वो काम भी नहीं हो रहा है। मेगा परमार आई थी यहाँ पे तो हमने बोला था हमें ग्राउंड चाहिए यहाँ पे बच्चों का क्रिकेट के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे नहीं हो रहा। सर वैसे तो अभी उम्मीद तो बीजेपी की है, क्योंकि काम अच्छे कर रही है, वो विकास भी कर रही है। अच्छा। गरीबों को मतलब आज आवास भी दिए बेचारे, आप देख ही रहो, और सम्मानित राशि मिल रही है, जहाँ से लाडली लक्ष्मी योजना भी चला रहे हैं जी। और कई मतलब बहुत सारी योजना चल रही हैं, अब आप खुद देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, विकास भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है, हो रहा है ना। अच्छा, इछावर में कौन चुन के आ रहा है सर जी? इछावर में कौन चुन के आ रहा है विधायक? विधायक तो साहब मेरे को तो लग नहीं रहा कि वैसे सेलन पटेल ही लग रहा है। मेरे को तो साहब उम्मीद नहीं है इस बार जी, परमार समाज के बोल रहा अगर मिल गए तो अच्छी फाइट देंगे शैलेंद्र प्रधान पटेल। ये तो एक तरफा चुनाव दिख रहा है इस बार जी, एक तरफा दिख रहा है, मतलब बीजेपी जीतती दिख रही है। अच्छा, अगर वो विधायक चुनते हैं तो क्या मंत्रिपरिषद में उन्हें मिलना चाहिए या नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं? मिलना चाहिए वैसे वरिष्ठता के अनुसार तो जी। इछावर की जनता वोट करेगी साहब बेरोजगारी के ऊपर, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और अभी 35 साल से जो करण सिंह जी वर्मा जी थे उनने कुछ नहीं करा अभी विधानसभा में, कम से कम नए को तो मौका मिलना चाहिए कम से कम। शुरू दिन नहीं, आज तक कोई परवाह नहीं, कोई बात ही नहीं। अच्छा। तो किसानों के हित में काम नहीं किया गया? किसानों के हित में
काय का काम किया, कौन ने करा, आके ही नहीं देखा जिस व्यक्ति ने, वो क्या काम करा। अच्छा। पिछले जो सत्र था उसमें कांग्रेस की सरकार थी, मतलब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के ही विधायक थे, उसको लेके क्या कहना है? तो कांग्रेस की सरकार थी, विधायक थे, लूटामारी तो हो गई, सरकार को तो लूट ली जी। हमारा मानना है अपने यहाँ 5 साल रहे हैं, उनका क्या कहना है जो कांग्रेस के विधायक रहे, उसको उनके कार्यकाल को लेकर? बढ़िया थे और अब अच्छे हैं, अब भी अच्छे रहेंगे और जीतेंगे भी। वर्मा जी आएंगे, करण सिंह वर्मा जी। हाँ, 40 साल से एक ही व्यक्ति है, परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है सर? क्या चाहती है जनता यहाँ की? कोई समस्या ही नहीं है ना उनके राज में, हमें विकास भी मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है, संबल योजना के तहत भी लाभ मिल रहा है, सब चीज की तो सुविधा हो रही है हमारे यहाँ। अच्छा सर, अगर वो विधायक चुनते हैं तो क्या मंत्री परिषद में, क्योंकि सबसे वरिष्ठ विधायक के तौर पर जाएंगे वो, तो मंत्री परिषद में जगह मिलेगी या नहीं? मिलेगी ना, क्यों ना, पिछली बार भी एक बार उनको मंत्री पद में मिल जाता था जगह, इस बार भी मिलना चाहिए। बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम जी। लेकिन युवाओं में नाराजगी है कि रोजगार नहीं है और जनता के बीच नहीं जाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नाराजगी नहीं है जी। अच्छा, अगर बीजेपी का विधायक बनता है तो क्या देखना चाहते हैं यहाँ परिवर्तन, कुछ और विकास के मुद्दे? विकास तो बहुत हुआ है छावरों में भी, और क्या चाहती है यहाँ की जनता वैसे विकास में? नहीं, विकास तो बहुत हुआ है, जनता भी वैसे खुश है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों बनेंगे, 40 साल से तो एक ही व्यक्ति बना रखा है आपने। नहीं तो वो काम ही अच्छा कर रहा है, काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या लाभ मिल गया है यहाँ की जनता को वैसे? सभी लाभ मिल गया, सभी लाभ मिल रहा है। चलो ठीक, अब भाई बनेगा विधायक साहब तो। अच्छा, हाँ, बीजेपी की सरकार बन रही है। हाँ। अच्छा, अगर वो बनते हैं क्योंकि सबसे वरिष्ठ हैं, तो क्या मंत्री परिषद मिलना चाहिए? नहीं, हाँ मिलना चाहिए मंत्री परिषद जी, जो बनता है वही बन रहा है, जो बनता है। लेकिन क्यों सर, 40 साल हो गए, एक ही व्यक्ति है, जनता उब नहीं गई? काय से उबे, वो काम ही अच्छे करे सामने वाला। अच्छा, काम अच्छे करे, लेकिन युवा ये कहते हैं कि रोजगार कम है, विकास कम है। हाँ, वो तो चल रही है सब, वो तो अपने अपने सब चल रहा है, रोजगार और क्या। अच्छा, सब अपने चल रहे हैं। हाँ। अच्छा सर, लेकिन एक ही व्यक्ति अगर चुनके आ रहा है और मंत्री परिषद में, अभी क्योंकि हाँ विधायक जो है सबसे पुराने वरिष्ठ हो जाएंगे, क्या मंत्री परिषद मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए ना, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलना चाहिए। अच्छा, माहौल करण सिंह वर्मा। अच्छा, करण सिंह वर्मा। लेकिन तीसरे कैंडिडेट के रूप में आम आदमी पार्टी भी यहाँ आ रही है, तो क्या कहना है उसको लेकर? आम आदमी तो है ही नहीं यहाँ पे यार भाई। अच्छा, कोई माहौल नहीं बनेगा, सिर्फ करण सिंह वर्मा। अच्छा, करण सिंह वर्मा, लेकिन एक ही व्यक्ति क्यों सर, क्या है ऐसा है उस व्यक्ति में जो एक ही व्यक्ति आ रहा है बार बार यहाँ? ईमानदार आदमी है यार भाई साहब जी, बस और क्या। अच्छा, देखो जनता किसको चुनती है जी, लेकिन जनता एक ही व्यक्ति को यहाँ लगातार चुनती आ रही है, तो परिवर्तन होगा या फिर वही रहेंगे? इस बार शायद मुकाबला तगड़ा है जी, तगड़ा है। अगर वही विधायक अगर चुन के आता है तो क्या मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी या नहीं, क्योंकि सबसे वरिष्ठ हैं सर मध्य प्रदेश में? जिस जिले का मुख्यमंत्री होता है वो सारी विधानसभाओं को नुकसान पहुंचाता है जी। और हमारे जिले को मुख्यमंत्री जिले का होने कारण सीहोर, आष्टा और इछावर तीनों विधानसभा का नुकसान ही हुआ है जी। इसलिए यदि मुख्यमंत्री जिले का होगा तो फिर तो मुश्किल है कि किसी को मंत्री बनाए। करण सिंह वर्मा। करण सिंह वर्मा, लेकिन क्यों, एक ही तो व्यक्ति है सर। बहुत बढ़िया आदमी है जी, उस जैसा आदमी हमने देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। हाँ, इसीलिए वही है। हाँ, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसका नाम क्या, दिव्य सिंह ने कासकर आदमी का सोना बिछवा के लोहा दिलवा दिया जी। ये रिकॉर्ड है, इसलिए उस आदमी का चुनेंगे हम, मतलब वो भी हमारा है, मतलब ऐसा है, कुछ भी नहीं है, पर हम तो बीजेपी के आदमी है, बीजेपी को ही वोट डालेंगे। पटेल, शैलेंद्र पटेल। 40 साल में कुछ नहीं मिला क्या सर? अच्छा, क्यों परिवर्तन चाहते हैं वैसे? हाँ, चाहते हैं, सेलेन को बनाएंगे, सेलेन को बनाएंगे। क्या विकास नहीं मिला इछावर को? क्या मालूम मिला नहीं मिला, विकास पे डलेगा यार, विकास पे डलेगा। लेकिन क्यों? बेरोजगारी, बेरोजगारी। क्या 40 साल में विकास नहीं हुआ सर? 40 साल में कहाँ का विकास है, देख लो शहर जैसे में घूम कर आप, कोई रोजगार, कोई साधन नहीं है कुछ जी। और क्या क्या नहीं मिला इछावर को? कुछ भी नहीं है, चार सौ बेरोजगारी के कहाँ जाएगी जनता, वैसे बिटमाती फिर रही है 40 साल होगा, एक ही आदमी देखते देखते, एक ही आदमी को देखते देखते कुछ नहीं हुआ भाई, परिवर्तन होने चाहिए जी, परिवर्तन अपना करण सिंह। हाँ। लेकिन क्यों 40 साल हो गए, एक ही चेहरा देखते देखते उबे नहीं? उससे ईमानदार है कहाँ। अच्छा। हाँ। बाकी सब बेईमान, बाकी सब बेईमान। हाँ, यहाँ का विधायक तो शैलेंद्र पटेल ही बनेगा, शैलेंद्र पटेल बनेगा। लेकिन क्यों 40 साल में विकास नहीं हुआ? 40 साल में कोई विकास नहीं हुआ, हेल्पलाइन जो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान बुद्धि विधानसभा का जो विधायक है जी, इस योजना को उसने लागू करा था 181, तो लोगों के निराकरण तो आज तक होते ही नहीं जी। मेरी 50,000 कंप्लेंट हुई, आज तक निराकरण नहीं हुआ है, और निराकरण मांगते हैं तो अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कहाँ से होगा निराकरण? अच्छा, फिर किन मुद्दों पर वोट दिया जाएगा इस बार? नहीं, मुद्दे पर तो उसी पर दिया जाएगा कि आने वाली
आज से 70 साल पुरानी जो सरकार थी वो आना चाहिए वापस। अच्छा। क्योंकि ये तो भ्रष्टाचारी हैं और अत्याचार कर रहे हैं जनता का। अत्याचार कर रहे हैं जनता। हाँ। अच्छा सर, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या क्या विकास चाहते हैं आप? नहीं, कांग्रेस सरकार अगर आएगी तो विकास 101% होंगे यहाँ की, जगह 20 साल में कोई विकास नहीं हुआ। 20 साल से कोई विकास नहीं हुआ। हाँ। ये बनेगा साहब। अच्छा, क्यों बन रहे हैं? 40 साल से एक ही चेहरा देख के उब नहीं गई जनता? नहीं भाई जी, काम अच्छा किया है और कर रहा है, काम बहुत बढ़िया कर रहा है। लोगों के आधी उम्र गुजर गई एक ही व्यक्ति को देखते देखते, परिवर्तन नहीं चाहते आप? नहीं साहब, वो तो बहुत अच्छा आदमी, दूसरा आदमी आगे तो नुकसान हो जाएगा। विधायक बन रहे हैं करण सिंह वर्मा जी। क्यों बन रहे हैं सर? 40 साल से एक ही चेहरा जनता उब नहीं गई। वापस बीजेपी का चेहरा आएगा सर, वो जो पहले हैं वही अभी भी आएंगे। अच्छा, अभी भी आएंगे। सबसे वरिष्ठ हैं तो क्या मंत्रिपरिषद मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कैबिनेट मंत्री जी। युवराज, युवराज सरकार आ रही है। आ, अच्छा, यहाँ करण सिंह आएंगे या शैलेंद्र आएंगे? शैलेंद्र पटेल। अच्छा, करण सिंह जी वर्मा। अच्छा, क्यों बन के आ रहे हैं? 40 साल से एक ही चेहरा जनता उब नहीं गई सर, परेशानी हो गई। चेहरा तो ठीक है पर काम भी उन्होंने करा है जी, और अच्छा मतलब अभी बहुत काम कर दिया उन्होंने जब। अच्छा, से बहुत काम कर दिया। क्यों बनेगी सर? उन्होंने काम ही नहीं करा। किन्ने काम नहीं करा? बीजेपी वाले, उनने कार्यकारी का और नेता उनका ही हुआ जी, जनता का कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये हुआ है, ये बस स्टैंड पे ठेले तो लगे। अच्छा, ये बस स्टैंड है, छापर का बस कहाँ खड़ी होगी देख लो तुम जी। से एक विधायक, परिवर्तन नहीं? परिवर्तन फुल 101%। अच्छा, क्यों सर? क्या विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ, नहीं हुआ। माहौल ये है जो कांग्रेस के फेवर का माहौल है इस वक्त, बल्कि हम जिले में 3 सीटें जीतेंगे इस बार, आष्टा, इछावर और सीहोर, हम 3 सीटें जीतने जा रहे हैं। अच्छा सर, तीनों जीतने जा रहे हैं तो क्या माहौल बन रहा है? क्योंकि तीनों जगह जो अनुभव है, एक जगह अनुभव है और दोनों जगह युवा प्रत्याशी हैं, उसको लेके क्या कहना है? नहीं, अनुभव सक्सेना जी का अनुभव काम करेगा सीहोर में, शैलेंद्र जी ये तीसरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कमल सिंह चौहान जो हैं 3 चुनाव लड़ चुके हैं, तीसरा चुनाव है उनका, तो अनुभव तो इनके पास है। अनुभव कमलनाथ जी का है, कमलनाथ हमारी पूरी कांग्रेस टीम का है। शैलेंद्र कुमार जी पटेल आ रहे हैं हमारे। अच्छा, कांग्रेस आ रही है, लेकिन क्यों सर? कांग्रेस शैलेंद्र भैया ने काम बहुत अच्छे किए जी, काम किए हैं। हाँ। किन मुद्दों पे जनता इस बार वोट करेगी सर? जी बिल्कुल, रोजगार के मुद्दों पे चुनाव करेंगे, युवा वोट, और इसके बाद में सड़क को लेकर करेंगे, बिल्कुल ही शिक्षा के स्तर बिल्कुल नीचा गिरा हुआ है यहाँ पे, आप खुद देख लीजिएगा जी। जी, वो हर चीज़ का मुद्दा उठाता है शैलेंद्र पटेल हमारे यहाँ पे जी। बा साहब हमारे यहाँ कम से कम 40 साल से राज कर रहे हैं, लेकिन कभी इछावर के बारे में, इछावर विधानसभा के बारे में कभी तुलना ही नहीं करी कि हम ये आगे बढ़े हम। अच्छा, और शैलेंद्र पटेल जो है वो बहुत अच्छा आदमी है, वो हर चीज़ की तुलना उठाता है। आज हमारे इछावर विधानसभा में पुराल डैम बना है, उसका मजे ले रहा है घाट नीचे वाले, तो हमारे करण सिंह जी कभी उस चीज़ के मुद्दा उठाते नहीं है। अब केशलेश इलाज मान नर्मदा हॉस्पिटल में सेवा ही संकल्प हमारा, केशलेश इलाज की सुविधा उपलब्ध। पता, पटेल पेट्रोल पंप के सामने, न्यू बस स्टैंड सीहोर, मध्य प्रदेश।